माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, अपने इस भारतीय कला की यात्रा में मैं इन्हीं व्याख्यानों की श्रृंखला में अगले ई लेक्चर में चूंकि भारतीय कला, भारतीय लघुचित्र शैली के बारे में मैं आपके सामने इसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले की इस श्रृंखला में मैंने आपको भारतीय लघु चित्र शैलियों के किस प्रकार से हमें प्राचीन सचित्र ग्रंथ मिले, पश्चिमी भारतीय शैली किन्हीं विद्वानों ने अपभ्रंश शैली कहा, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी और कुछ ग्रंथों के नाम बताए थे कि इन ग्रंथों में हमें सचित्र पोथियां देखने को मिलती है। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में जैन या अपभ्रंश शैली को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जैन या अपभ्रंश शैली क्या है, इसके क्या क्या हमें चित्र देखने को मिले हैं, कौन कौन से ग्रंथों में देखने को मिले हैं। तो ई व्याख्यान से आगे वाले व्याख्यान में हम आए हैं, तो जो मैंने पहले बताया था कि जो ये पोथी चित्रण कला है, जो 10वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो कला रही है विभिन्न राजाओं के शासनकाल में, उनको जैन या अपभ्रंश शैली माना गया है विभिन्न विद्वानों के अनुसार। इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये है कि भारतीय साहित्य में प्राकृत भाषाओं की रचना होना शुरू हो गया था, जिसमें पिंगल डिंगल और लोक भाषाओं में वीर काव्य की रचना हुई, जिसके फलस्वरूप इस काल को वीर गाथा काल, चारण काल या अपभ्रंश काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखाने का सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ये है कि अपभ्रंश शैली के चित्र किन किन पर बने, किन किन को लेकर अपभ्रंश शैली, किन आधारों को लेकर अपभ्रंश शैली बनी है। तो अपभ्रंश शैली ग्रामीण शैली, जैन शैली या गुजरात शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, इन तीनों के जो रूप हैं वो हमें तीन आधारों पर देखने को मिलते हैं, जिसमें है ताड़ पत्र पर बने पोथी चित्र, दूसरा है कागज पर बने पोथी चित्र या फूटकर चित्र जिसको बोलते हैं वो है, नेक्स्ट है कपड़े पर बने पट चित्र जिसको चित्रित पट या चित्रपट भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत अपभ्रंश और जैन शैलियों के सार्थक नामकरण में 1451 में वसंत विलास, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य आदि पोथियों में प्राप्त होते हैं। 7वीं सदी से ही गुजरात मारवाड़ में इन शैली के चित्रों का निर्माण होने लग गया था और अपभ्रंश शैली का जन्म भी यही माना जाता है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री सारा भाई मणिकलाल ने चित्र कल्पद्रुम या कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अपभ्रंश शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र प्राप्त हुए हैं। इस शैली के कागज पर निर्मित ग्रंथ चित्र और स्फुट चित्र भी बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कल्पसूत्र की दो प्रतियां हैं,
जिसमें एक तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में और दूसरी प्रति जो है लिमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास है। इनका जो लिपिकाल है वो सन 1415 ईस्वी है। कल्पसूत्र की तीसरी जो अन्य प्रति है वो जौनपुर की है, जो सोने के अक्षरों से लिखी गई है और इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह उत्तम कृति सन 1467 में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के शासनकाल में चित्रित की गई थी। कल्पसूत्र की ही चौथी प्रति हमें अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी से के संग्रह में संग्रहित है। यह इसकी जो प्रति है वो 15वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब 15वीं सदी के उत्तरार्ध अंत में यह तैयार की गई थी, जैसा कि हम चित्रों में देख रहे हैं। इसमें अपभ्रंश शैली के उत्कृष्ट चित्रों का संग्रह है। इसी प्रकार बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय से प्राप्त दुर्गा सप्तशती की पोथियां उल्लेखनीय है। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र और निर्युक्ति वृत्ति कथा सरित सागर उत्तराध्ययन सूत्र कल्पसूत्र नेमिनाचरित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी निशित चूर्णी आदि उल्लेखनीय है। इन सचित्र पोथियों का लिपिकाल 1100 से 1500 के मध्य माना जाता है। यह पोथियां आज भी भारत के बड़ौदा पाटन खंभात अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथाकारों तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। लाहौर बंगाल और उड़ीसा में भी इस शैली के चित्र हमें उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वेरूल के भित्ति चित्र बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त हमें वेरूल के भित्ति चित्र को अपभ्रंश शैली का उदाहरण माना जा सकता है। जोधपुर के ज्ञान भंडार से प्राप्त देव ब्रह्म सूरीकृत पांडव चरित नामक महाकाव्य जो लगभग 15वीं सदी में लिखा गया था के आदि तथा अंत के पन्नों में चार चित्रों को भी अपभ्रंश शैली का माना जा सकता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। 15वीं सदी में लगभग गुजरात तथा मेवाड़ में जिस राजपूत शैली का उदय हुआ था और जिसके फलस्वरूप भारतीय चित्रकला की प्रसुप्त चेतना जागृत हुई वह अपभ्रंश शैली का ही नवीन संस्करण है। भाव विधान तथा आलेखन की दृष्टि से राजपूत शैली यद्यपि अपने अपूर्व नए परिवेश को लेकर आई थी किंतु विषय वस्तु के लिए उसने अपभ्रंश शैली का ही सहारा लिया। श्रृंगार रागमाला ऋतु और कृष्ण लीला संबंधी चित्र जो राजपूत कलाकारों ने चित्रित किए उनकी विशेष सामग्री अपभ्रंश शैली से ही उपजी है। ये तो हमारी अपभ्रंश शैली की प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में बात की। अब हम कि किस प्रकार के चित्र चित्रित हुए, किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ, कौन से चित्र कहाँ संग्रहित हैं और किस क्षेत्र में कौन से चित्र बने, ये हमने जानकारी अभी तक इस ई व्याख्यान में प्राप्त की। अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु जो जैन चित्र शैली जिसको बोलते हैं अपभ्रंश शैली उनकी विशेषताओं पर डालते हैं, जो कि अक्सर हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। इसमें इन विशेषताओं में पहली विशेषता है अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्म जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको और एक ही ढंग के बने हैं। इनमें नम्मी नाक नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई है। आँखें भी कुछ नुकीली है
और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई है। आंखें भी कुछ नुकीली है। पास पास हैं बड़ी परवल की फांक जैसी आंखें। आंखों के और कान के बीच में दूरी कम रही है और आंखों की कट्टा रेखा दूर तक बढ़ी हुई है और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए दो वक्रों के मध्य एक बिंदी सी लगा दी गई है। नेक्स्ट है दूसरा, नेत्र भी चेहरे सीमा से बाहर निकले हुए बनाए हैं। पुतली की बनावट एवं सीमा रेखा से बाहर निकले रहने के कारण आंखों में उग्रता का भाव दिखाई देता है। इसी प्रकार हाथ की अंगुलियों का रेखांकन कठोर, निर्बल और अत्यधिक अलंकारिक तथा रूढ़िबद्ध दिखाई देता है। पेट का अगला भाग जो है वो आगे निकला हुआ है। कटी का भाग छोटा है, मतलब गर्दन का छोटा है। इस प्रकार मानवाकृतियाँ रुई के गुड्डों के समान हमें देखने पर प्रतीत होती है। अगला पॉइंट है हमारा प्रकृति का आलेखन। प्रकृति का आलेखन जो है वो अलंकारिक रूप में हुआ है। पशु पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कि वह कपड़े के खिलौने बने हुए हों। अभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, सफ़ेद, फाकताई और पीला रंग प्रमुखता से लगाया गया है। पृष्ठभूमि में लाल रंग सपाट भरा गया है। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि महावीर की आकृति में पीला रंग, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग, नेमिनाथ की आकृति में काला रंग और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम वर्ण का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश शैली के चित्रों की रेखाएं वर्तूलाकार, मतलब घुमावदार के स्थान पर कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई है, जिसमें लोच का प्रभाव अभाव है। लोच मतलब लय का अभाव है। अपभ्रंश शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग इन्हें और भी आकर्षक बना देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। तो इस ई व्याख्यान और उसके पिछले वाला व्याख्यान जो मेरा रहा है, वो व्याख्यान आपके जो भारत की जो लघु चित्र शैलियां हैं, जिनको मध्यकालीन शैलियां कहा जाता है, उसके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जिससे कि भारतीय चित्रकला की जो यात्रा हमने प्रागैतिहासिक काल से शुरू की थी, वह ये कला यात्रा में भारतीय कला चित्र शैलियाँ, लघु चित्र शैलियों का किस प्रकार से प्रभाव रहा वह हमने समझा। और इसके अंतर्गत हमने प्रमुख भारतीय लघु चित्र शैलियों के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ा कि कौन से प्रमुख ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ और वर्तमान में कहाँ संग्रहित है और किन के संग्रह में है, कौन से संग्रहालय के संग्रह में है और उन चित्रित ग्रंथों में कौन से, जैसे बताया था अभी कि किस तीर्थंकर के आकार का किस तीर्थंकर को किस रंग में रंगा गया है, इसको बताने का प्रयास किया है। और यह आगे की जो हमारी कला यात्रा रहेगी वो राजस्थानी चित्र शैली, जो हमारा पाठ्यक्रम का एक भाग है, उसको हम पढ़ेंगे कि इस अपभ्रंश या जैन शैली का किस प्रकार से उजला स्वरूप हमें राजस्थानी चित्र शैलियों में, विभिन्न प्रकार की चित्र शैलियों में देखने को मिलता है कि राजस्थानी चित्र शैली किस आधार को लेकर आगे बढ़ी, कला के किन तत्वों को लेकर, किन प्राचीन शैलियों का के कला तत्वों को लेकर उन्होंने आत्मसात किया और किस प्रकार विश्व की सर्वोच्च शैलियों में अपने आप को राजस्थानी शैली ने स्थापित किया। तो ये बहुत ही, अब धीरे धीरे ये जो ई व्याख्यान हैं आपके, तो ये बहुत ही रोचक होते जाते हैं। यह यात्रा बहुत निरंतर अच्छी गति से आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे ये कहना है कि इन व्याख्यानों को आप निरंतर पढ़ें
सुने समझें मेरे पीडीएफ नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं वो पढ़ें उनमें, यदि उनमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से आप मुझे संपर्क करें, और YouTube पे जो मैं वीडियो आपको डालता हूँ निश्चित रूप से आप इनको देखें, और मुझे अच्छा लगता है कि आप इन YouTube चैनल्स के ऊपर कमेंट भी करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू।